हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक सूचना देनी है आपको, जो आज एसएससी ने 1 जून 2018 को दिया है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप, क्योंकि जब भी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो नए इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं जो माल प्रैक्टिस से रिलेटेड है, जैसा कि आपने देखा होगा एसएससी 2017 में या फिर उसके बाद जो भी 10+2 का एग्जाम हुआ या सीएचएसएल का हुआ, तो उसमें काफी माल प्रैक्टिस पाई गई। और आपको पता होगा कि सीबीआई की भी जांच चल रही है इस समय। तो एसएससी ने क्या किया है, एक तरीके का टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस बता दिया है और उसका जो डिबारमेंट है वो कितना होगा। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं हमसे धोखे से भी कि कहीं उसकी वजह से हमें डिबार ना कर दिया जाए। इसमें बताया गया है कि 2 साल से लेकर 7 साल तक का डिबार किया जा सकता है आपको एसएससी के एग्जाम देने से। तो समझ लीजिए, अगर किसी को सीबीआर मतलब किसी को बड़ा पनिशमेंट मिल गया तो वो बहुत लंबे समय के लिए डिबार हो सकता है। तो देखिए ये अच्छी चीज भी है, जैसे कि जो भी फर्जी लोग हैं या फिर जो भी पैसे देकर रिश्वत लेकर इस तरीके से ये काम कर रहे थे उनका कम होगा। मगर आपको भी ये ध्यान रखना है, जो भी हमारे जेन्युइन स्टूडेंट हैं, कि कहीं वो कुछ ऐसा काम धोखे से ना कर जाएं जिसकी वजह से उन्हें पेपर से ही डिबार कर दिया जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस जो आपको ये एसएससी की साइट पे मिल जाएगा ये नोटिस, अब मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। देखिए टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन, देखिए कई बार क्या होता है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है रफ शीट, जो हमें रफ शीट वहां पर दी जाती है कई बार हम उसे अपनी जेब में रख लेते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, अपने साथ कुछ भी नहीं लाना है, ना आंसर शीट लानी है ना ओएमआर शीट लानी है, कुछ नहीं लाना है आपको। अगर धोखे से भी आपके जेब में या आपके हाथ में रफ शीट पाई गई या ले जाते हैं आप वहां से, तो 2 साल के लिए डिबारमेंट है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं उस पर क्वेश्चन लिख लाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आने वाले भविष्य के एग्जामों में आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कहीं गलती से भी आपसे ऐसा ना हो जाए कि आप रफ शीट उठा लाएं। कि इस देखिए जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो धोखे से ये कर सकता है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। फिर है मिसबिहेवियर विद और फिर थ्रेटनिंग एनी मैटर द एग्जामिनेशन। देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आपने देखा होगा वहां पर चेकिंग होती है, तो जब वहां पर कहा जाता है कि आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, तो हम करते क्या है सिक्योरिटी गार्ड के साथ हम बहस करने लगते हैं कि नहीं भाई ये की तो अलाउ होनी चाहिए या ये चीज अलाउ होनी चाहिए। देखिए अगर हमने ऐसा किया तो 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। तो देखिए एक बिल्कुल हमें स्टूडेंट बन के जाना है वहां पर, कोई हमें बहस नहीं करनी है, कोई गुंडा बन के नहीं आना है कि नहीं भाई ये सही है या ये गलत है। जब उन्होंने अपने नियम एक तरीके से जब उन्होंने ये बता दिया है कि आपको कुछ नहीं लेके जाना है, तो इसका मतलब है कुछ नहीं लेके जाना है। ना मोबाइल होना चाहिए ना पर्स होना चाहिए, जितना बताया है सिर्फ उतना लेके जाना है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड या किसी से भी जो कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव है, जो एसएससी का या इन्विजिलेटर है, आप किसी से भी किसी भी प्रकार की बहस करेंगे या फिर उन्हें कुछ भी बोलते हैं जो कि गलत है, तो उसमें 3 साल का डिपार्टमेंट है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल शांत स्वभाव से पेपर देने जाए, कोई भी इस तरीके का व्यवहार ना हो आपका कि उन्हें ऐसा लगे कि आप कुछ उनके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, फिर है अदर स्टूडेंट नोट टेक द एग्जाम। अगर आपने खुद एग्जाम छोड़ दिया और आप इंस्टिगेट कर रहे हैं अदर कैंडिडेट को कि आप भी एग्जाम मत दो, अगर ऐसा करता हुआ आपको पाया गया या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं आप उसके जो एग्जामिनेशन है उसे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं करने में, तो आपको 3 साल के लिए डिबारमेंट किया जाएगा। तो ऐसा भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए एक शिकायत करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, आपको उसी तरीके से करनी है। ऐसा नहीं है कि वहां पर हल्ला मचा दें या फिर दूसरों को आप उकसाने लगें। ठीक है, उसके अलावा है मेकिंग स्टेटमेंट विद आर नॉट करेक्ट फॉल्स सप्रेसिंग मैटर इन्फॉर्मेशन सबमिटिंग द फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। अब ऐसा भी नहीं करना है कि आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें इनकरेक्ट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन बताने लगे कि भाई एग्जाम आउट हो गया है या ये हो गया बिना किसी सबूत के। तो ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप रिमर्स फैला रहे हैं उसमें। ठीक है, और फिर है आपका ऑब्टेनिंग सपोर्ट और इन्फ्लुएंस ऑफिस के लिए इरेगुलर और इम्प्रॉपर, कुछ भी नहीं ऐसा। देखिए क्योंकि अब ये सजाएं बढ़ गई हैं। और फिर क्या होता है, जहां पर हमारा मोबाइल जमा होता है तो मोबाइल ना तो स्विच ऑन होना चाहिए ना स्विच ऑफ मोड, ये नहीं ऐसा कहें कि भाई हमने स्विच ऑफ कर लिया, ऐसा वैसे अब कम होता है, मगर धोखे से भी आपका मोबाइल ना चला जाए। ठीक है, उसके अलावा है अपीयरिंग इन द वंस। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कभी भी एक ही बार एग्जाम देना, ऐसा नहीं है एक महीने बार एग्जाम चल रहा है और आपने 2 बार उसमें सबमिट कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आज का पेपर खराब हो गया तो आप अगले दिन एग्जाम देने पहुंच गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही बार अप्लाई करें, 2 बार अप्लाई करेंगे और 2 बार एग्जाम दे देते हैं तो वो गलत होगा। ठीक है, और टेकिंग एग्जामिनेशन बाय हूज एग्जामिनेशन, देखिए किसी और की जगह आप एग्जाम देने, कई बार देखा गया है कि पहली जब ये ऑफलाइन में ज्यादा होता था कि आप किसी और की जगह बैठकर जो है एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी आपका डिपार्टमेंट 3 साल के लिए है। उसके अलावा इसमें आप देखेंगे
कि डैमेजिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आपने कीबोर्ड का बटन निकाल दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट आपने अगर खराब कर दिया तो उसके लिए 5 साल का डिपार्टमेंट है। तो इसलिए बिल्कुल शांत होकर अपने हाथों पर काबू करके वहां पर बैठना है जो भी हमारा एग्जाम है। फिर अपेयरिंग इन द एग्जाम, देखिए अगर आप फर्जी एडमिट कार्ड या फर्जी आईडी प्रूफ के साथ पहुंच जाएंगे वहां पर तो भी 5 साल का है। ये एक तरीके की वार्निंग है उन लोगों को जो फिर इस तरीके के नकल वगैरह और ये चिटिंग वगैरह का जो गोरख धंधा करते थे, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, अगला है कि अगर कोई फायर आर्म या वेपन ड्यूरिंग द एग्जाम, ये इसमें किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि आपके पास छोटा सा नाइफ तक ना हो। कई लोगों की कीरिंग में छोटा नाइफ वगैरह होता है तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। ऐसा आपको कीरिंग क्या की ले ही नहीं जानी है। ठीक है, अगर आजकल देखा गया है की भी जमा करा देते हैं तो वो भी आपको जमा कर देनी है। उसके बाद क्या है कि एग्जामिनेशन में आपको मतलब किसी भी प्रकार का फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना, कोई गाली नहीं देनी किसी भी तरीके का, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, कमिश्नर, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 7 साल का डिपार्टमेंट है। देखिए ऊपर था बहस करने पर, है ना, वो 3 साल का है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 7 साल का है। फिर है थ्रेटनिंग और वेपन्स विद आर्म, ये है कि देखिए हथियार वगैरह तुम्हें से कोई ले नहीं जाएगा, मतलब इस चीज का भी ध्यान रखना है। 7 साल का यहाँ डिपार्टमेंट है। फिर है कॉपिंग फ्रॉम अनफेयरिंग, अगर आप पेपर और बॉडी पार्ट, अगर आप कुछ भी लिख के ले जाते हैं जैसे अपने बॉडी पार्ट पर या एनी पेपर, कभी कभी क्या होता है कि हम क्विक नोट बनाने के चक्कर में वो कागज हमारी जेब में चला गया या हमने बॉडी के अपने हाथ के ऊपर कुछ लिख लिया याद करते हुए, तो उसमें भी 7 साल का डिपार्टमेंट है। तो ये भी ना करें, ऐसा नहीं है एग्जाम एंट्री के अंदर, अगर आप एग्जाम से बाहर आ रहे हैं और तब भी आपके हाथों पर कुछ लिखा हुआ पाया जाता है उसमें भी ये डिबार कर सकते हैं आपको 7 साल के लिए। उसके अलावा है जो ब्लूटूथ डिवाइस है, कैमरा है, या जैसे देखा होगा आपने कि पेन में भी आप जो है कैमरा आने लगा है, तो ऐसी चीजें कोई नहीं होनी चाहिए। अब तो वैसे पेन भी अलाउ नहीं है, पेन भी वहीं पर मिलता है। ठीक है, और फिर है प्रिक्योरिंग इम्पर्सोनेट बाय एनी मैन, मतलब यही है कि जो है आप किसी भी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति उस एग्जाम बैठ रहा है और वो उस एग्जाम को दे रहा है। फिर स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो बनाना, पेपर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, वैसे तो ये अलाव ही नहीं है, मगर इस तरीके का किसी एग्जामिनर ने या किसी ने भी अपने मोबाइल से इस तरीके का वीडियो शूट बना दिया तो उसके लिए 7 साल का डिपार्टमेंट है। और शेयरिंग एग्जामिनेशन, अगर इस तरीके की रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर या लैंड वैन इस तरीके का कोई भी सॉफ्टवेयर पाया जाता है आपके पीसी के अंदर, क्योंकि पहले तो चेक होगा और अगर उसके बाद अगर आपने इंस्टॉल कर दिया उसके अंदर तो वो 7 साल का वहाँ डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से देखिए ये बहुत ही अच्छा हो गया है, मगर आपको जो मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, कि रफ शीट आपकी ना आ जाए आपके हाथ में बाहर, है ना। और दूसरी चीज जो है वो सिक्योरिटी गार्ड, आपको सिक्योरिटी गार्ड से किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं करनी है, जैसा भी जो वो कह रहे हैं उसी को फॉलो करना है, उनके इंस्ट्रक्शन को। ठीक है दोस्तों, बाकी तो ये जितने भी हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो क्राइम इंटेंशनली करना चाहते हैं, इंटेंशनली जो है वहाँ पर कुछ नकल करना चाहते हैं। बाकी जो हमारे जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनके लिए यही है कि आप कुछ भी पेपर ना चला जाए आपके हाथ में, या हाथ पे कुछ लिखा हुआ ना चला जाए, या वहां से आप क्वेश्चन लिख के ना ले आए अपने हाथ पर, तो इस तरीके का नहीं करना है, वरना आपको डिपार्टमेंट हो सकता है। ये ना सोचें कि सिर्फ जाते समय चेकिंग होगी, हो सकता है कि जब आप निकल रहे हो तब भी आपकी चेकिंग होने लगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और आशा करता हूँ मैं आपको जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ ऐसी रह जाती है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और